हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे सामने टाटा नेक्सॉन, ये क्रिएटिव वेरिएंट है इन पेट्रोल। हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड इसके फीचर्स के बारे में, और स्पेशली ये नाइट रिव्यू है तो आपको इसमें ज़्यादातर मैं लाइट्स वगैरह, वो मतलब जो एस्थेटिक्स लुक्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करेंगे, बट हाँ ज़्यादा तो लुक्स के बारे में बातें होंगी, मतलब जो नाइट में इसका फीडबैक होने वाला वो कैसा होगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात की जाए, इसका एक्शन प्राइस है 11 लाख रुपए और इसका ऑन रोड प्राइस है लगभग 12.5 लाख रुपए इन दिल्ली। सबसे पहले तो मैं हिमगिरी टाटा का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। ये शोरूम मानेसर में लोकेटेड है। पर्सनल व्हीकल से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक पूरी रेंज देखने को मिल जाएगी आपको हिमगिरी में। एंड अब बैक टू द वीडियो। अब इस प्राइस पॉइंट पर क्या चीज़ ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्मार्ट कीज देखने को मिल जाती है, वही टाटा की टिपिकल कीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। दूसरी साइड आपके यहाँ मिल जाएंगे लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक और फोल्डिंग हेडलैम्प्स के बटन। इस बटन से आप इसके हेडलैम्प्स को ऑन कर सकते हैं। गाड़ी को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी नाइट के टाइम पर इस फीचर से। अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। ये LED बेस्ड DRS काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, स्पेशली रात के टाइम में देखने में। और ये आपको इंडिकेटर्स भी आपको LED बेस मिल जाते हैं, और इसमें क्रिएटिव वेरिएंट में आपको मैट्रिक्स LED का सेटअप देखने को मिलता है, तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया है। वेल फ्रंट में आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको प्रोजेक्टर बेस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और ये नहीं है कि सिर्फ ये हेलोजन बेस्ड, मतलब हेलोजन में है, ये आपको LED का सेटअप मिल जाता है इसके अंदर भी, मतलब प्रोजेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा आपके यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश दी गई है, और यहाँ पे आपको एयर कर्टन्स मिल जाएंगे इसके नीचे, ऊपर आपको DRS मिल जाते हैं। इसके साइड में आपको मतलब जो फ्रंट में आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, एंड सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाटा का लोगो। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगी ग्रिल, जो कि आपको चेकर्ड फ्लैग या फिर हनीकॉम कहें वैसे कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइन में दी गई है। नीचे आपको वाइट कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। वेल ओवरऑल लुक्स आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलेंगे रात के टाइम, और जो रात को इंडिकेटर जलेंगे वो भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में। वेल साइड में व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि आपको पिच ब्लैक या फिर ग्रे कलर में रात के टाइम ऐसे ही नहीं दिखेंगे ये, मतलब देखेंगे तो सही, बट हाँ इसका कलर समझ में नहीं आएगा, ग्रे कलर के लग रहे हैं अभी रात के टाइम। तो इसके साइज़ की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साइज़ नहीं दिख रहा भाई, साइज़ मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगा। साइड में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े फेंडर फ्लेयर्स मिल जाते हैं, व्हील आर्चेस दिए गए हैं। साइड में ये क्लैडिंग मिल जाती है, और टर्न इंडिकेटर्स आपको ओरियंस में मिलेंगे, ओरियंस आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश में मिल जाएंगे। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। साइड में जो है ग्लोस ब्लैक फिनिश दी गई है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। ऊपर आपको मिल जाएगी रूफ के ऊपर ये रूफ रेल्स, जो कि सिल्वर कलर में दी गई है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, एंड ये संदूक भी मिल जाएगी आपको क्रिएटिव वेरिएंट में। वेल अब बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। बैक प्रोफाइल से काफ़ी बढ़िया लुक्स मिल जाते हैं, आप बैक प्रोफाइल से देख सकते हैं, आप काफ़ी तगड़े लुक दिए गए हैं। टेल लैम्प्स की बात करें, टेल लैम्प्स आपको यहाँ पे LED बेस मिल जाएंगे। वेल पूरा सेटअप आपको LED बेस मिल जाता है, तो उसकी वजह से रात के टाइम और भी बढ़िया लुक्स निकल के आते हैं। ये फिर से जलाते हैं एक बार, मैट्रिक्स फंक्शन मिलता है आपको इंडिकेटर्स के अंदर, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं टेल लैम्प्स देखने में। कनेक्टेड टेल लैम्प्स यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इंप्रूव कर रहे हैं लुक्स को, जो ये इंडिकेटर्स हैं, लाइट है, ब्रेक लाइट है, और जो रनिंग लैम्प्स है वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं रात के टाइम देखने में। जो रिवर्स पार्किंग लाइट है वो आपको रिफ्लेक्टर बेस मिलेगी, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, एंड रियर बम्पर के ऊपर भी आपके यहाँ पे स्किन प्लेट मिल जाएगी, जो कि बॉडी कलर में दी गई है। ऊपर आपको नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है, एंड रियर विंडशील्ड के ऊपर यहाँ पे डिफोगर नहीं दिया गया क्रिएटिव वेरिएंट में, वहीं पर आपको मिल जाएगा डिफोगर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं है ना, नहीं है भाई, नहीं है, क्रिएटिव वेरिएंट में नहीं मिलता आपको। स्पॉइलर मिल जाएगा आपको नेक्सॉन में, ये तो बेस वेरिएंट से मिलता है, बट हाँ काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी देखने में। अभी बूट की बात की जाए तो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन मिल जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट सेंसर, और बूट के ऊपर आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, जो कि 360° व्यू के लिए वर्क करेगा। बूट में आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाता है, और ये बूट में आपको यहाँ पे लाइट भी दी गई, जो कि रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है।
वेल कैमरा में तो नहीं आ रहा है, बट हाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि बूट में कहाँ पे क्या आ सकता है। मतलब हर एक एंगल पे, मतलब हर एक एंगल दिख रहा है मेरे को बूट का, हर एक चीज़ दिख रही है कहाँ पे क्या है। तो ऊपर आपको यहाँ पे दो हुक्स मिल जाते हैं, राइट साइड भी हुक दिए गए, यहाँ पे आपको पास ट्रे मिल जाएगी, ऊपर आपको ये प्लास्टिक इंसुलेशन मिल जाती है। एंड बूट जो है वो ज़्यादा कुछ मतलब डेप्थ में नहीं है, तो उसकी वजह से सामान रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब चलते हैं अंदर। यार एक बार में बंद ही नहीं होते, कुछ ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है इसमें, इतनी भारी है इसकी बूट, ये टेलगेट। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। हाँ तो अब ड्राइवर साइड दिए गए, मतलब ये डोर पे दिए गए फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बॉडी कलर फिनिश मिल जाती है आपको यहाँ पे वाइट, एंड यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे, ऑल पावर विंडोज़ मिल जाती है विद ड्राइवर सेट ऑटो पैनल फीचर। अभी ये चीज़ें रात के टाइम दिखती हैं, वैसे जो जो ये ड्राइवर साइड विंडो का कंट्रोल है उसके ऊपर आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको मिल जाता है चाइल्ड लॉक बटन, इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइट दी गई है। यहाँ पे डोर पकड़ने के लिए स्पेस मिल जाएगा, क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, और ये रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं आपको ओरिवेंस, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए, स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम मिल जाता है, और ये स्टीयरिंग व्हील वैसे मतलब लेदर वेब तो नहीं है, बट हाँ फील में काफ़ी बढ़िया है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और ये बॉडी कलर फिनिश भी दी गई है इसके ऊपर, और ये इल्यूमिनेटेड है तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है रात के टाइम देखने में। स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, राइट साइड आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, सेंटर में यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया है। यहाँ पे आपने कॉल, ब्लूटूथ, वॉल्यूम, ट्रैक चेंज, यहाँ पे कॉल एंड और वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाएंगे, ये आपको MID और क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। अभी क्लस्टर की बात की जाए तो क्लस्टर आपको रात के टाइम और भी ज़्यादा इल्यूमिनेटेड लगेगा, तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। दिन के टाइम में भी कम नहीं है, बट हाँ रात के टाइम तो स्क्रीन्स और भी ज़्यादा उभर के आती हैं, वाइब्रेंट कलर्स लगते हैं रात के टाइम और भी ज़्यादा। वेल स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं टैकोमीटर, राइट साइड आपको कूलेंट टेम्परेचर और फ्यूल गोज मिल जाएंगे, सेंटर में आपको मिल जाती है स्क्रीन जो कि प्रोवाइड कर देती है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, और सेंटर में आपको मिल जाती है ट्रिप इन्फो, जिसमें आपको मिल जाएंगी ट्रिप इन्फो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। इसको प्रेस करेंगे तो मेन मेन्यू में यहाँ पे आपको ड्राइवर सिस्टम मिल जाता है। वेल काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये, हर एक क्लिक पे कुछ ज़्यादा ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मिल जाता है, पावर एंड टॉर्क, डेट एंड टाइम, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। ज़्यादा ही फास्ट वर्क कर दिया है, पता नहीं क्यों होगी इतनी फास्ट, होगी सही में होगी, कुछ ज़्यादा ही मतलब हर एक क्लिक पे कुछ ज़्यादा ही मतलब मिली सेकेंड्स में इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ये अभी डायल व्यू पे है, डिजिटल व्यू देख सकते हैं आप, ये ले डिजिटल व्यू पे आ गई, फिर से यहाँ पे ये मिनिमल व्यू पे देख सकते हैं। मिनिमल व्यू जो होता है वो वैसे दिखने में मतलब इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, बट ये उन पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है जो ड्राइविंग में अपनी मतलब जो अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन पढ़ते रहेंगे तो ड्राइविंग में क्या ही मज़ा आएगा। और ये बैक अभी डायल पे रखते हैं, सेटिंग्स में चलें तो आपको यहाँ पे मिल जाती है इल्यूमिनेशन, और सेटिंग्स में फिर से जाना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन मिल जाती है, क्लॉक, कैलेंडर, सेट टाइम, बैक कैलेंडर वगैरह, मतलब ये सब देख सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा ही फास्ट है ये, ट्रिप इन्फो वगैरह ये सब देख सकते हैं आप। ऊपर आपको टाइम, टेम्परेचर, सिटी, ड्राइव मोड, ओडोमीटर, एंड नीचे आपको यहाँ पे जो क्या कहते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह मिल जाएंगे, मतलब सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाँ सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह मिल जाएंगे। मैं सोच रहा था कि वो एयरबैग के लिए, नहीं सीट बेल्ट रिमाइंडर ही है। इसके ऊपर मिल जाता है आपको एयरबैग वगैरह की इंफॉर्मेशन। और अभी स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, और राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक दिए गए। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अभी नाइट के टाइम पे इसकी कलर्स और भी ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं, जैसे कि इसमें क्लस्टर में बता ही चुका हूँ। एसी को ऑफ कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा ठंड लगने लगी है अब। हाँ तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो यह तो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मेन मेन्यू में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मीडिया, एसी, पेरा डिवाइस, और भी जैसे सेट कर सकते हैं आप यहाँ पे,
होम में आपको मिल जाएंगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट, ड्राइव नेक्स्ट, इमेज व्यूअर, मीडिया फोन, फोन सेटिंग्स, क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग्स, सराउंड व्यू आप 360 डिग्री व्यू के देख सकते हैं। रात के टाइम पे भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं मतलब कैमरास। वेल जो कैमरास की क्वालिटी है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है इस बार टाटा ने। ये इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रही है आप देख सकते हैं, पीछे कुछ ज़्यादा ही स्पेस दिया गया है मतलब कुछ ज़्यादा स्पेस छोड़ रखा है, इतना सा स्पेस है यार तो इसके लिए आवाज़ कर रही है ये। हाँ तो कैमरास की बात कर रहे थे, कैमरास काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं इस बार टाटा ने, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कैमरा यूज़ कर दिए इस बार टाटा ने। यहाँ पे हर एक कैमरे की क्वालिटी देख सकते हैं आप रात के टाइम भी कितनी ज़्यादा क्लियर है। 2D व्यू, 3D व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कुछ और एंगल्स मिल जाते हैं आपको सेटिंग्स में, आपको यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स मिल जाती हैं, एक्सप्लोर करते रहना। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में आपको मिल जाएंगे ऑडियो कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस, HMI डूडल, फोन सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम और व्हीकल सेटिंग्स मिल जाती हैं। व्हीकल में आपको लाइट वगैरह मिल जाएंगे, डोर एक्सेस वगैरह। वेल सही बताऊँ तो जल्दी हो रही है मेरे को घर जाने को, इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं बढ़ रहा मैं इसमें, ये आप एक्सप्लोर करते रहना। बट हाँ स्क्रीन के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है ये, हर एक टच पे आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन काफ़ी बढ़िया दी गई है इस बार टाटा ने, मतलब टाटा नेक्सन में टाटा ने काफ़ी बढ़िया काम किया इस बार हर एक फीचर पे, चाहे वो क्लस्टर हो चाहे इंफोटेनमेंट हो। AC पे भी वैसे काफ़ी बढ़िया काम किया, बट कुछ ज़्यादा ही बढ़िया काम कर दिया इस बार AC पे, क्योंकि इस पे आपको टच सेंसिटिव बटन दे दिए हैं। हालांकि मॉडर्न ज़माने में टच सेंसिटिव कंट्रोल्स बढ़िया लगते हैं देखने में, बट ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें टच सेंसिटिव कंट्रोल्स डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं, क्योंकि जो हैजार्ड नंबर बटन है यहाँ पे वो फिज़िकल कंट्रोल होना चाहिए था, मतलब फिज़िकल होना चाहिए था वो, बाकी दे देते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो फैन स्पीड और जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो वही मेनली यूज़ होते हैं, वो तो चल जाते हैं AC कंट्रोल्स। जो हैजार्ड नंबर बटन है वो फिज़िकल देना चाहिए था, बस उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको बूट ओपन करने के लिए बटन मिल जाता है, लॉक अनलॉक बटन दिया गया है, 360 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाता है, और आइए ऑटोमेटिक AC दिया गया आपको क्रिएटिव वेरिएंट में। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा फैन स्पीड, राइट साइड टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन, मैक्स AC एंड फोकस नहीं हो रहा है क्या ये, एंड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मोड्स ऑफ AC एंड ऑटो, इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिलेगी। और गियर लीवर की बात करें तो गियर लीवर आपको सिंपल डिज़ाइन में देखने को मिलता है, हालांकि सिंपल तो नहीं है, बट हाँ इसके ऊपर आपको कुछ ज़्यादा फिनिश देखने को नहीं मिलेगी, सिंपल फिनिश में देखने को मिलता है ये, इसके ऊपर यह सॉफ्ट टच दिया गया। 6-speed मैनुअल के साथ मिलती है आपको नेक्सॉन, इसके अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जो कि रात के टाइम बिल्कुल नहीं देखेगी आपको, ये जरूर देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको सिटी, इको एंड स्पोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो कि आप इस डायल से कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर और कुछ स्पेस मिल जाएगा। मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई, जिसकी टिप आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगी, एंड ऊपर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिमिंग आयरिंग दिया गया, ऊपर आपको लाइट मिल जाती है जो कि LED बेस्ड है। यहाँ पे आपको सनरूफ का कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि आपको वन टच ओपन एंड क्लोज फीचर का मिल जाता है। तो हाँ काफ़ी बढ़िया सनरूफ मिल जाती है आपको नेक्सॉन में, ऊपर आपको यहाँ पे इसका पैसेंजर एयरबैग ऑन है या फिर ऑन है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे माइक इंस्टॉल्ड है। और ऊपर आपको यहाँ पे पहले मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया, एंड सनवाइज़र कुछ ऐसा ब्लॉक कर पाता है विंडो को। सनवाइज़र सही बताऊँ तो यार कितनी बार तीन नेक्सॉन का रिव्यू कर चुका हूँ मैं अब तक, तो इतनी बार बोलना भी ठीक नहीं है, बट हाँ इसको हॉरिजॉन्टल कर देना चाहिए था, इसमें इम्प्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है। ऊपर आपको यहाँ पे सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, एंड सीट बेल्ट्स आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेंगी, और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में आपको वेल काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है, मतलब काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया ग्लव बॉक्स। हालांकि इसमें क्रिएटिव वेरिएंट में आपको लाइट नहीं मिलती, ऊपर आपको फियरलेस वगैरह में लाइट मिल जाएगी। वेल काफ़ी बढ़िया ग्लव बॉक्स दिया गया, इसमें आपको टिकट होल्डर, पेन होल्डर वगैरह मिल जाएंगे। और जो इसको डिवाइड करता है कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट बनाता है, उसमें फियरलेस में मिलेगा आपको, क्रिएटिव में नहीं मिलेगा, जो इसमें अलग से
कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, और ये आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिलता है, तो इसमें प्रीमियमनेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक में दिया गया, हालांकि डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे सिलो फिनिश जरूर मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको टेक्सचर दिया गया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है टेक्सचर भी देखने में। और ये जो पार्ट दिया गया, हालांकि हार्ड प्लास्टिक में दिया गया बट दिखने में सॉफ्ट जैसा ही है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे स्टिचिंग्स लाइक टेक्सचर देखने को मिल जाता है, पता नहीं स्टिचिंग है या नहीं है, है तो स्टिचिंग ही बट हाँ ठीक है। पुशिंग निशन बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे सिलो फिनिश मिलेगी। और फ्रंट सीट्स के एडजस्टेबल है, दोनों फ्रंट सीट्स आपको, दोनों तो नहीं, कोर ड्राइवर सीट आपको 6 फीट एडजस्टेबल मिलेगी, और ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी मिल जाती है, तो उसमें आपको यहाँ पे 8 एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी। एंड फ्रंट में यहाँ पे कुछ बाकी तो नहीं रहा है बताने को, अब चलते हैं पीछे, पीछे देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है। और अब रियर डोर के देखिए फीचर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पे स्पीकर दिया गया। अभी ये आगे की ड्राइवर सीट को मैं एडजस्ट करना भूल गया हूँ, तो स्पेस आप देख लेना, इससे तो ज़्यादा ही मिलता है आपको स्पेस, आगे की ड्राइवर सीट को एडजस्ट करना सही में भूल गया मैं। हालांकि लेग रूम एंड नीरो आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलेंगे, इसको आगे करना चाहिए था मेरे को दिखाने के लिए सही में। और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, वेल कैबिन स्पेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया मान के चलो आप, क्योंकि ये सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे कर रखी थी मैंने आपको दिखाने के लिए। रियर सीट पे आपको यहाँ पे सीमेंट्स मिल जाते हैं, हालांकि रियर सीट पे आपको यहाँ पे लाइट नहीं दी गई, तो उसकी वजह से मैं नहीं दिखा सकता आपको यहाँ पे सीमेंट वगैरह। और रूफ में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, रियर सीट्स के एडजस्ट भी एडजस्टेबल हैं, और रियर सीट्स आपको बेंच फोल्डिंग मिलती हैं क्रिएटिव वेरियंट में। हालांकि यही फीचर्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वेरियंट्स को। और आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कैसा लग रहा है अभी रात के टाइम देखने में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है डैशबोर्ड। और रियर सीट्स पे यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है आपको नेक्सॉन में। सो चलिए अब देख लेते हैं नेक्सॉन का इंजन भी। नेक्सॉन में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, ये इंजन प्रोड्यूस करता है 118 bhp पावर एंड 170 nm ऑफ टॉर्क, काफ़ी पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है आपको नेक्सॉन में। और बोनट आपको यहाँ पे इंसुलेटेड मिलेगा। और अब गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, आपको इसमें बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो मिल जाते हैं, स्पेशल इसमें मिल जाएंगे 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मोनिटर और हिल असिस्ट। वेल यही सब था बताने के लिए, गाड़ी में और कुछ बाकी रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।